फ्रॉम द बेस वेरियंट आपको फुल LED DRLs यहाँ पर देखने को मिल जाती है, टर्न सिग्नल्स ORVMs पर मिलने वाले हैं, और फ्रॉम द बेस वेरियंट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं। एक और खास बात यह की 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है बहुत सारे बेस मॉडल में। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टाइम डोर देखते हो तो आपको कहीं से कहीं तक बेस मॉडल का फील नहीं आएगा, बिकॉज सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो चारों पावर विंडो कंट्रोल जो फैब्रिक यूज करा गया है, कहीं से कहीं तक बेस मॉडल की फील ही नहीं आने वाली। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्री एयर एसी वेंट्स आपको मिल रहे हैं साथ ही में। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज हमारे साथ है 3XO लाइनअप का मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट MX1। जब से गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है ना, हर कोई कस्टमर हर कोई बायर सिर्फ इसी वेरिएंट के लिए वेट कर रहा था, MX1, जो कि सिर्फ आपको 7.5 लाख रुपए 7,49,000 रुपीज की प्राइस में मिलने वाला है। ऑन रोड ये गाड़ी अराउंड 8.5 लाख रुपए की आपको मिलने वाली है। बट जो फीचर्स महिंद्रा ने इस बार इसमें दिए है ना, वो सच में मतलब इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है ना, नेक्सॉन ब्रीजा वेन्यू, सबको फेल कर देते हैं। भर भर के फीचर्स महिंद्रा ने इसके बेस मॉडल में दिए। मोस्ट अपीलिंग ब्लैक कलर में ये लेकर आया हूँ, हालांकि डीलरशिप पर व्हाइट कलर और बहुत सारे कलर्स MX1 वेरिएंट के आ गए थे, बट डिटेल में आज इस गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स देखने वाले हैं। आप भी अगर एक सब कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान कर रहे थे और 3XO के बेस मॉडल को लेने का प्लान कर रहे थे, तो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इसकी कीज से। बेस मॉडल में आपको कुछ इस टाइप की कीज मिलने वाली है, हालांकि आप फ्रंट से देखोगे तो पूरी महिंद्रा की प्रीमियम कीज ही लगती है, बट यहाँ पर आपको कोई भी कंट्रोल्स मिलने नहीं वाले हैं, आपको इसमें की इंसर्ट करके ही जाना पड़ेगा। बाकी जहाँ पर इसके फ्रंट लुक्स की बात आती है, आप यहाँ से चेकआउट करो, मतलब कहीं से कहीं तक ये बेस मॉडल नहीं लगता है। मतलब 7.5 लाख रुपए में आपको इतनी प्रॉपर डिजाइन मिलने वाली है ना। अब पास से चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको इसमें ऑफर करे गए। फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको फुल LED DRLs यहाँ पर देखने को मिल जाती है, हालांकि मैंने टर्न सिग्नल्स ऑन करे हैं जो कि LED रहने वाले हैं, इसलिए ये आधे टर्न सिग्नल्स चल रहे हैं, बाकी आपको पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक DRLs मिल जाती है। साथ ही में आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, बट ये हेलोजन प्रोजेक्टर रहने वाला है, तो ओवरऑल विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। बट मेनली आप एक चीज पे फोकस करो, बेस मॉडल से जो ये फिनिश दी है ना, यहाँ पर आप देखो ग्लॉसी ब्लैक कलर की फुल फिनिश मिलती है, क्रोम इंसर्ट्स के साथ महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है, तो फ्रंट से कहीं तक बेस मॉडल का फील नहीं आने वाला है। और स्पेशली यार बेस मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स ब्लैक कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट आपको 3XO में मिल रहा है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अब कुछ यूनिक बातें आपको बताता हूँ जो कि 3XO के बेस मॉडल से मिलने वाली है। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रॉम द बेस मॉडल यू गेट 6 एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया चीज़ रहने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, जितने भी आप बेस मॉडल देख लो, इनफैक्ट पहले जो 300 आती थी ना, उसमें भी आपको सेकंड बेस वेरिएंट थर्ड बेस वेरिएंट के टर्न सिग्नल्स यहां पर मिलते थे, बट 3XO में फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको टर्न सिग्नल्स ORVMs पर मिलने वाले हैं, और फ्रॉम द बेस वेरिएंट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, जो कि सेगमेंट में और कौन सी भी गाड़ी आपको प्रोवाइड नहीं करती। साथ ही में बेस मॉडल है, फिर भी आप ये डोर हैंडल्स देख लो, ORVMs देख लो, ए पिलर बी पिलर सी पिलर सारा आपको बॉडी कलर्ड मिलने वाला है, जो कि आप साइड से भी देखोगे ना तो कहीं से कहीं तक आपको बेस मॉडल का फील नहीं देगा। हालांकि टायर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको एलॉयज जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं आने वाला है, चाहो तो आप शोरूम से ही लगवा सकते हो, बट फ्रॉम द बेस वेरिएंट 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, 205/65 इसकी टायर प्रोफाइल रहने वाली है। साथ ही मैं आपको सस्पेंशन बता देता हूँ, फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद एंटी रोल बार मिलता है, रियर में ट्विस्टेड बीम विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलने वाले हैं। ओवरऑल ये जो क्लैडिंग दी है ना, काफ़ी स्पोर्टी यहाँ पर लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि इंडियन रोड्स के लिए मोर देन इनफ है। अब मेनली इंजन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो आपको जो MX1 वेरिएंट है ना, वो 1 & only पेट्रोल ऑप्शन के साथ ही आने वाला है। अगर आपको डीजल का बेस वेरिएंट लेना है तो आपको MX2 वेरिएंट लेना पड़ेगा, जो कि 10 लाख रुपए 9,99,000 रुपीज की एक्सशोरूम प्राइस में मिलता है। इसमें आपको मिलने वाला है फ्रॉम द बेस वेरिएंट 1.2 लीटर का TCM PFI एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट पावर स्पेक्स आपको देता है। बेस मॉडल में बेस्ट इन सेगमेंट 200 Nm का टॉर्क की गाड़ी डिलीवर करने वाली है, साथ ही में 110 BHP की पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कौन सी भी कॉम्पिटिटर कार्स के बेस मॉडल चलाते हैं ना, उसके कंपेरिजन में काफी पंची इंजन आपको ये फील होने वाला है। माइलेज की बात करें तो 18-19 का आपको हाईवेज पे मिल जाएगा, सिटी में अराउंड आप 15-16 एक्सपेक्ट कर सकते हो। मध्य प्रदेश से व्यूअर्स देख रहे हैं, स्पेशली देवास से देख रहे हैं, तो बेस्ट डील्स के लिए आप भगवती प्रेस्टीज को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चैनल का रेफरेंस दे दोगे तो अच्छी खासी डील्स भी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल देखोगे तो इंजन काफी रिफाइंड है, पिछली में एक ड्राइव वीडियो भी मेरे चैनल पर डाल चुका हूं। साथ ही में यहां पर आप देखोगे तो इंसुलेशन भी प्रॉपर देकर रखा है। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा माइलेज चाहिए, तो कंपनी ने TGDI ऑप्शन भी निकाला है, टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, तो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप उन इंजन ऑप्शंस के लिए भी जा सकते हो। अब चलते हैं इसके रियर की ओर। पहले तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 42 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है, बाकी यहाँ पर भी आप ये फिट एंड फिनिश चेकआउट कर सकते हो, मतलब कहीं से कहीं तक बेस मॉडल आपको फील नहीं होने वाला है। फाइनली आ चुके हैं इसके रियर प्रोफाइल की ओर। पहले तो आप ये लुक्स चेकआउट करो,
रियर से इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर बताना। साथ में यहाँ पर आपको वेरियंट की तो कोई भी बैजिंग नहीं मिलती है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया 3XO की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। बट सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी बूट स्पेस, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पुरानी 300 में भी शिकायत आती थी बूट स्पेस से रिलेटेड, वो आपको 3XO में नहीं मिलने वाली। फ्रॉम द बेस वेरियंट 364 की बूट स्पेस आपको मिल जाती है, जो कि प्लेंटी ऑफ बूट स्पेस रहने वाली है। साथ ही में नीचे आप देखोगे तो इसका जो स्पेयर व्हील है यहाँ पर मिल जाएगा, अगेन ये भी 16 का रहने वाला है। बट यहाँ पर आपको कोई पार्सल ट्रे जैसा ऑप्शन नहीं मिलता। साथ ही में यहाँ पर आपको कैरी बैग होल्डर भी मिल जाता है, जिसकी मैक्स कैपेसिटी 5 kg तक रहने वाली है। एक और खास बात यह है कि फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है। बहुत सारे बेस मॉडल में पूरी 100 फोल्ड होती है, बट अगर आपको एक सीट भी फोल्ड करनी है, ऐसी करनी है, तो आप कुछ इस टाइप से 60-40 इसकी स्प्लिट सीट कर सकते हो। ऊपर कर लेते हैं, सो कुछ इस टाइप से 60-40 इसकी स्प्लिट होने वाली है। नीचे की ओर आते हैं तो फ्रॉम द बेस वेरिएंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग कैमरा इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, और नीचे आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट्स मिल जाती है। अब देखो एक्सटीरियर हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया, मेनली तो चलना है यार इसके इंटीरियर की ओर, बिकॉज बेस मॉडल ले रहे हो तो इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। बाहर का तो मैंने बता दिया, लुक्स तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। सो चलते हैं MX1 वेरिएंट के इंटीरियर में और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। कीज़ आपको इंसर्ट करना पड़ेगी यहाँ से, और कुछ इस टाइप से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टाइम डोर देखते हो तो आपको कहीं से कहीं तक बेस मॉडल का फील नहीं आएगा, बिकॉज सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो चारों पावर विंडो कंट्रोल फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पर स्पीकर्स का प्रोविजन देकर रखा है, बट आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। आफ्टर मार्केट या शोरूम से आप यहाँ पर स्पीकर्स इंस्टॉल करा सकते हो, साथ ही में ट्विटर्स भी इंस्टॉल करा सकते हो। नीचे आपको दो बेवरेज होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, तो कुछ इस टाइप का इंसर्ट रहने वाला है। कहीं भी फिट फिनिश में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। बट जहाँ हम आते हैं मेनली इसके इंटीरियर की ओर, सीट आप देख लो 4-way एडजस्टेबल है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ सीट को पूरा पीछे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको MX1 वेरिएंट में इंटीरियर मिलने वाला है। हालांकि स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, बट 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर, को ड्राइवर, पीछे यहाँ पर भी, ऊपर आप देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का मिलने वाला है इंटीरियर। यहाँ पर आप बड़ी सी स्क्रीन आफ्टर मार्केट या शोरूम से लगवा सकते हो, बट इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलता है। बट 7.5 lakh रुपए में अंदर बैठने के बाद आप ये इंसर्ट्स देखो यार, मतलब पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में इंसर्ट्स मिल जाते हैं। ये आप सेंटर कंसोल यहाँ पर चेकआउट करो। फीचर्स की बात करें, हैजार्ड स्विच, AC के सारे कंट्रोल्स, टेम्परेचर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड को मैनेज कर सकते हो। साथ ही में नीचे आपको AC के कंट्रोल सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। एक और सबसे बढ़िया चीज़, USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा है, और नीचे थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाती है। बट अगर मैं आता हूँ सेंटर कंसोल की ओर, ये आप चेकआउट करो, फुल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया है। मतलब महिंद्रा ने इस बार बेस मॉडल में कुछ भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। साथ ही में आर्मरेस्ट मिल रहा है यार बेस मॉडल में, और क्या चाहिए। यहाँ पर आप देखो यूटिलिटी स्पेस भी आर्मरेस्ट में मिल रही है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और चेकआउट करो आप, ये जो इंसर्ट्स है, ये जो फैब्रिक यूज़ करा गया है, कहीं से कहीं तक बेस मॉडल की फील ही नहीं आने वाली। ORVM की ओर बढ़ते हैं तो नॉर्मल आपको डे नाइट व्यू के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर आप सनवाइजर्स देखोगे तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी है, बट अगेन आपको इसमें कोई वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है। ड्राइवर साइड देख लेते हैं, यहाँ पर भी कोई भी आपको मिरर का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। कुछ इस टाइप से मैं अंदर बैठे हुए इजीली ORVMs को एडजस्ट कर सकता हूँ। साथ ही में AC वेंट्स देखोगे तो अगेन आपको सिल्वर गार्निश के साथ यहाँ पर प्रोवाइड करें, सेंटर के ब्लैक गार्निश के साथ मिल जाते हैं। तो यूटिलिटी स्पेस आपको इसमें मिल जाती है। कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। बाकी आप ओवरऑल फ्रंट इंटीरियर चेकआउट कर सकते हो। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये कार आने वाली है, वो कुछ इस टाइप का है। मतलब सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा लोगे ना, तो कहीं से कहीं तक बेस मॉडल का फील नहीं आएगा। कुछ इस टाइप का क्लस्टर आपको मिलने वाला है। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, सेंटर में एक MID मिल जाती है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल लाइफ जैसे सारे फीचर्स दे देगी। तो फ्रंट में तो हमने देख लिया ओवरऑल, फाइनली चलते हैं इसके रियर में और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके बेस मॉडल में आपको ये सब फीचर्स तो ठीक है, ESP के फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक ब्रेकिंग फीचर्स भी आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट दिए। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया काम करा है इस बार महिंद्रा ने। डोर ओपनिंग देख लेते हैं, डोर काफ़ी बढ़िया ओपन हो जाता है, अंदर जाने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। फ्रंट सीट मैंने अभी पूरी पीछे लेकर रखी है। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रॉम द बेस वेरिएंट, रियर AC वेंट्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही में 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट और सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट रियर में भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम करा है महिंद्रा ने। यहाँ अगर आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर में भी अगेन आपको पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। MX1 वेरिएंट का इंटीरियर रियर सीट से कुछ इस टाइप का लगने वाला है। सिर्फ स्क्रीन लग जाएगी ना, तो कहीं से कहीं तक बेस मॉडल का फील नहीं आने वाला है। ऑल तो गाइस देखो, मैंने सारे स्पेक्स आपके साथ शेयर कर दिए। जहाँ क्वेश्चन आता है ना, शुड यू बाय दिस कार और नॉट, जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है ना, ऑन रोड आपको 8.5 lakh रुपये में इतनी सेफ सब कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, बढ़िया सा लुक प्रोवाइड कर रही है, सेफ्टी सबसे बढ़िया प्रोवाइड कर रही है, और इंडिया का ब्रांड है महिंद्रा, तो कहीं ना कहीं आपको मिनी
700 वाला फील भी आने वाला है सामने, जो 700 है मोस्ट डिमांडिंग महिंद्रा की गाड़ी, उसका मिनी वाला फील भी आपको इसमें आने वाला है। सो टोटली चॉइस आपकी है, एक बार शोरूम विजिट करो, आके देखो आप पर्सनली। मुझे तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है वेरिएंट लगा। डीजल के लिए आपको 10 लाख रुपए देना पड़ते हैं बेस मॉडल के लिए, बट इसमें आपको सिर्फ 7.5 लाख रुपए में सारे नीडेड फीचर्स के साथ ये कार मिलने वाली है। करते हैं आज के रिव्यू वीडियो को एंड। गाइस वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।